दोस्तों आज हम आपको मधुमक्खियों के फैक्ट बताएंगे। दोस्तों मधुमक्खी कीट वर्ना का प्राणी है। मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है जो कि एक अच्छा पौष्टिक भोजन होता है। जे संग बनाकर रहती है। प्रत्येक संग में एक रानी मक्खी और कई श्रमिक मक्खियां होती है। मधुमक्खियां छत्ते बनाकर रहती है जे मोम से बनता है। दोस्तों मक्खियां नृत्य के माध्यम से अपने परिवार की पहचान करती है। इनकी 7 जातियां और 44 उपजातियां हैं। तो चलिए हम इनके और फैक्ट जानते हैं। दोस्तों मधुमक्खी 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को 90,000 मील यानी धरती के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। दोस्तों मधुमक्खियां 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। दोस्तों मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में 50,000 से 60,000 मधुमक्खियाँ होती है। इनमें एक रानी मधुमक्खी होती है। दोस्तों शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मडराकर रस निकालना होता है। जे नृत्य के जरिए आपस में बातचीत करती है। दोस्तों रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक होती है और जे एकमात्र मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। दोस्तों एक छत्ते में मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है। एक मादा मक्खी होती है जिसे हम रानी मक्खी भी कहते हैं। दूसरा नर मक्खी होती है। तीसरा फल फूलों से रस चूसकर एकत्रित करने वाली श्रमिक मक्खियां होती है। नर मक्खी का काम केवल रानी मक्खी को गर्भधारण कराना होता है। दोस्तों तो मधुमक्खी गर्मी के दिनों में एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2500 अंडे देती है। दोस्तों नर मक्खियों का आकार काम करने वाली मक्खियों से बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों इनके पास डंक नहीं होती और जे काम भी नहीं करती। आयुर्वेद चिकित्सा में शहद को एक उत्तम औषधि माना गया है। जे गले की खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा रोगों में बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों शहद में एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग जलने कटने और घावों को भरने के लिए किया जाता है। दोस्तों मधुमक्खी के डंक के जहर का उपयोग कई बीमारियों के उपचार के रूप में भी किया जाता है, जिसमें गठिया और उच्च रक्तचाप शामिल है। शहद एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों शहद का रंग जितना गहरा होगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन का काम पिछले 4500 सालों से किया जा रहा है। दोस्तों मधुमक्खियां पिछले 1500 करोड़ सालों से एक ही तरीके से शहद बनाती आ रही है। मधुमक्खियां प्रति सेकंड 200 बार अपने पंखों को हिलाती है। दोस्तों मधुमक्खियां एकमात्र प्रकार की मक्खी है जो डंक मारने के बाद मर जाती है। मधुमक्खी के शरीर में 2 पेट होते हैं, एक खाने के लिए और एक फूलों का रस एकत्रित करने के लिए। दोस्तों मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में केवल 1/12 चम्मच शहद का ही उत्पादन करती है। एक छत्ते से 25 से 45 किलो शहद निकलता है। मधुमक्खियां अपने पेट पर एक विशेष ग्रंथि में मोम का निर्माण करती है, जिसे वह फिर मधु रखने के लिए मधुकोश बनाने के लिए चबाते हैं। एक श्रमिक मधुमक्खी अपने शरीर के वजन के 80% के बराबर प्रयाग ले जा सकती है। दोस्तों मधुमक्खियों के बारे में जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं।